अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू यूनिवर्सल ऑप्टिशन। आज का जो हमारा रिव्यू है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने टॉम फोर्ड फ्रेम कन्वर्ट किया है सनशेड प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस के अंदर। ये बेसिकली एक थिक साइड फ्रेम है और इसके अंदर आई साइड के हमने कलर शेड लेंजेस फिट करने हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ग्लासेस लैब से रेडी होके आ गए हैं। ये एक कंप्लीट ट्रांसपेरेंट ग्लास है प्लास्टिक में, और हम इसकी अब इंट्रा प्यूपल डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे और फ्रेम के साइजेस और डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली हम अपने फ्रेम ग्लासेस को रेडी कर रहे हैं फ्रेम में फिटिंग होने के लिए। आफ्टर फिटिंग जब ये फ्रेम फिट हो गया है अपने प्रिस्क्रिप्शन के प्लास्टिक लेंस में, तो उसके बाद आप इसका रिव्यू देख सकते हैं और इसकी लुक भी देख सकते हैं कि किस तरह नज़र आ रहा है। अब कलर की सेक्शन जो है स्टार्ट करते हैं। कलर एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है। जो भी हम कलर करते हैं हम उसका पाउडर जो है वो हॉट वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। हॉट वाटर के अंदर मिक्स करने के बाद हमने इसको मेजरमेंट करना होता है कि किस तरीके का कलर हो रहा है, मैचिंग करनी होती है कि किस टाइप की मैचिंग है या नहीं है। ये एक बड़ा ही सेंसिटिव पार्ट होता है और ये बड़ा एहतियात से काम करने वाला है। और सारे ही प्रोसेस के बाद जब ये आर्टिकल रेडी होके सन शेड के अंदर हमारे सामने आएगा, तो इसमें मैंने जो कन्वर्ट कलर करवाया था वो करवाया हुआ था स्काई ब्लू ग्रे कलर टू टोन में। और ये इस वक्त रात में थोड़ा स्काई का लुक भी प्रोवाइड कर रहा है और डे में ये स्काई ग्रे कलर के अंदर होगा। और कोई भी इसके अंदर हम कलर अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैक, येलो या कोई भी फॉर एवर कलर हो। क्योंकि ये टास्क जो था वो मुझे अपना ओरिजिनल के इक्वली करवाना था, तो ये ज़रा थोड़ा सा सेंसिटिव भी था और थोड़ा सा मुश्किल भी। और जब आपके चेहरे के ऊपर ये टॉम फोर्ड की ग्लासेस लगेंगी और आप इसकी लुक एक चेहरे के ऊपर देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।